ओ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इस वीडियो में हम इंटरगल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्टेर एंड फेडोल इक्वेशन को भी कवर करेंगे विद एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज काइंड्स ठीक है तो ये कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का फर्स्ट लेक्चर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से दैट इज इंटरगल इक्वेशन एंड इक्वेशन इज सेट टू बी इंटीग्रल इक्वेशन इफ द अननोन फंक्शन to be determined appears under one or more integral signs कोई भी unknown function अगर वो किसी integral sign के अंडर है और उसको उसकी value आपको निकालनी है तो ऐसी equations को हम integral equation बोलते हैं यहाँ पर एक जर्नल integral equation लिखी हुई है Volterra और या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेडॉल की जो आगे हम discuss करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से क्या difference है उन दोनों में तो ये एक जर्नल equation है उसकी ये जो म्यू एस आपको दिख रहा है ये यहाँ पर एक अनोन फंक्शन है और ये अनोन फंक्शन किसी इंटरगल साइन के अंडर है तो ये इक्वेशन कैसी हो गई इंटरगल इक्वेशन हो गई यहाँ पर ये अल्फा एफ एक्स और ये के जो है वो कोई नोन फंक्शन होंगे आपके ठीक है मतलब आपको पता होंगे ये ऑलरेडी और ये म्यू एस वाला फंक्शन आपको निकालना है तो ये एक अनोन फंक्शन होगा जो कि इस इंटरगल साइन के अंडर है एल्फा ए और बी आपके कॉन्स्टेंट होंगे ये जो म्यू एस है ये आपका नोन फंक्शन है नीड्स टू बी डिटरमाइंड और ये जो के है वो आपका कर्नल ऑफ द इंटरगल फंक्शन है इस फंक्शन को हम कर्नल फंक्शन बोलते हैं एक तरीके से या फिर कर्नल बोलते हैं कर्नल ऑफ द इंटरगल इक्वेशन नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर इंटरगल इक्वेशन की तो किसी भी इंटरगल इक्वेशन को लीनियर इंटरगल इक्वेशन कब बोलेंगे जब उस पर हम लीनियर्स ऑपरेशन लगा सकें और कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन उसमें प्रेजेंट ना हो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं इसको एग्जांपल से समझेंगे डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट यहाँ पर है तो ये जो अनोन फंक्शन है उससे आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन आपका इंटरगल इक्वेशन है वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर ठीक है तो म्यू एस देख लीजिए यहाँ पर इसकी जो पावर है वो क्या है वन तो लीनियर हो गया सेकेंड एग्जाम्पल में म्यू एस की जो पावर है वो भी क्या है वन तो ये भी लीनियर हो गया थर्ड एग्जाम्पल में इसकी पावर टू है ये नॉन फंक्शन था आपका तो इसकी पावर क्या है टू तो ये कैसा फंक्शन हो गया नॉन लीनियर ठीक है बाक पहले फर्स्ट टू लीनियर्स हैं और थर्ड नॉन लीनियर तो ये जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर आपको बताएगी कि फंक्शन लीनियर इंट्रीगल इक्वेशन है या नॉन लीनियर इंटरगल इक्वेशन टॉपिक वॉल्टेरा है सेकंड फ्रेडोल। तो यहाँ पर वॉल्टेरा इंट्रीगल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है एंड इंट्रीगल इक्वेशन इज सेट टू बी वॉल्टेरा इंटरगल इक्वेशन इफ अपर लिमिट ऑफ इंटरग्र इंटीग्रेशन इज वेरिएबल तो मैंने ये जर्नल फॉर्म बताई थी आपको इस इंटीग्रेशन में अगर ये अपर लिमिट इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है अगर वो वेरिएबल हो जाती है वेरिएट करती है तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और जो फ्रेडोल अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें और इसमें मेन डिफरेंस यही है लिमिट्स का फ्रेडोल में जो दोनों लिमिट्स हैं ये दोनों लिमिट कॉन्स्टेंट होती हैं ए टू बी ले लिया सपोज करो आपने दोनों ही कांस्टेंट होंगे पर वोल्टेरा में अपर लिमिट वेरिएबल होगी तो यहाँ पर एग्जांपल है सेम इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा एफ एक्स और ये कर्नल ये सारे आपके नॉन फंक्शन हैं म्यू एस आपको निकालना है ठीक है ये ए पैरामीटर है कॉन्स्टेंट है एल्फा भी आपका सॉरी लैमडा नेक्स्ट इसको ये जो जर्नल फॉर्म थी उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक गिवन है ठीक है नेक्स्ट इसकी काइंड के बारे में देखो वॉल्टेरा इंटरगल इक्वेशन की फर्स्ट काइंड तो फर्स्ट काइंड कैसे हो सकती है ये जो आपका अल्फ़ा एल, एक्स है ठीक है अगर ये इक्वलेंट हो जाए ज़ीरो के ये फर्स्ट काइंड है आपकी अगर ये इक्वलेंट हो जाए ज़ीरो के तो ये जो एल एच एस पार्ट है ये पूरा कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड दिस विल बी एज इट इज़ ठीक है तो ये आपकी फर्स्ट काइंड हो गई यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखो मैंने इसको जीरो पुट कर दिया ये जो एक्स स्क्वायर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो आपकी फंक्शन की वैल्यू है जो हमने इसको इस साइड शिफ्ट किया हुआ है ठीक है रेस्ट आपका ये एज इट इज़ ए लेमडा की वैल्यू यहाँ पर टू है ये जो फंक्शन है ये रहा आपका जीरो जो लोअर लिमिट है वो कॉन्स्टेंट है और जिस अपर लिमिट की आप बात कर रहे हो वो कैसी है वेरिएबल है ये आपका कर्नल है और ये म्यूएस आपको निकालना है ठीक है म्यूएस डीएस तो ये आपकी फर्स्ट काइंड हो गई सेकेंड काइंड में क्या है जो यहाँ पर एल्फा एक्स जो इक्वल टू जीरो था तो सेकेंड काइंड में एल्फा एक्स आपका इक्वलन टू वन है ठीक है फॉर ऑल एक्स तो ये आपकी सेकेंड काइंड हो गई अब यहाँ पे जो जर्नल इक्वेशन थी यहाँ पर वैल्यू वन पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ म्यू एक्स आ जाएगा तो ये म्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू यहाँ पर आपका एफ एक्स है नॉन फंक्शन है जीरो टू एक्स लिमिट पे आपको ध्यान देना है ये आपका कर्नल बी एस टी एस और जो थर्ड काइंड है वो एक तरीके से स्पेशल काइंड है सेकंड की विच इज नोन एज होमोजीनियस वोल्टेरा इंटरगल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इसमें आपका जो अल्फा एक्स है वो तो इक्वलेंट टू वन होगा ही होगा और साथ में ये जो जर्नल इक्वेशन में हमने यहाँ पे एफ एक्स लिखा है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे एफ एक्स का पार्ट जो है वो मिसिंग है तो आपको आगे ये भी ध्यान रखना है जब हम होमोजीनियस इंटरगल इक्वेशन की बात करेंगे चाहे वोल्टेरा की करें चाहे आगे फ्रेडोल की करेंगे तो जो आपका एफ एक्स होगा एफ एक्स पार्ट आपको नहीं मिलेगा एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा ठीक है और उसमें ये जो एल्फा एक्स है वो इक्विलेंट टू वन होगा आई होप ये क्लियर है विद एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेडोल इंटरगल इक्वेशन में इसमें वही सेम है आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है जैसे आपने वॉल्टेरा की लिखी एंड इंट्रीगल इक्वेशन इज सेट टू बी फ्रेडोल इंट्रीगल इक्वेशन इफ बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट ठीक है ये इसकी जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है जहां पर अपर अपर और जो लोअर लिमिट है वो दोनों कैसी हैं कांस्टेंट है तो ए टू बी लिखा हुआ है जैसे कि हमने वोल्टेरा में काइंड्स के बारे में डिस्कस किया सेम काइंड जो होगी फ्रेडोल के लिए होगी जहाँ पे अल्फा एक्स जो है फर्स्ट काइंड में इक्वेल टू जीरो होगा तो यहाँ पर ये एक पार्ट जो है आपका एल या आर किसी साइड पर लिख सकते हैं जीरो और ये आपका एज इट इज आ जाएगा ठीक है तो ये आपका ये इसको आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड वॉल्टेरा इंटरगल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ये इसका एग्जाम्पल है बी पार्ट में आ जाए तो यहाँ पर जो एल्फ़ा एक्स था फर्स्ट काइंड में हमने ज़ीरो के इक्वल दिया था तो यहाँ पर क्या होगा ये वन के इक्वल होगा जैसा कि आपने वोल्टेरा में देखा और इक्वेशन में एल्फा एक्स पुट करेंगे एल्फा एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ये आपकी हो गई फ्रेडोल इंटरगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड तो इसका एक एग्जाम्पल ये रहा अब होमोजीनियस वॉल्टेरा इंटरगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम वही वही कंडीशन सेम चल रही है दोनों में ठीक है और ये आपका फंक्शन हो गया वैल्यू पुट कर दीजिए एफ एक्स आपको होमोजीनियस की कंडीशन में नहीं मिलेगा और एल्फ एक्स की वैल्यू इक्वल टू वन होगी आप चलिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले वोल्टेरा इंटरगल इक्वेशन का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हैज शो दैट द फंक्शन यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पार एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द वॉल्टेरा इंटरगल इक्वेशन और योल्टेरा इंटरगल इक्वेशन आपको ये गिवन है ठीक है आपको पता ही लग जाएगा अपर लिमिट आप देख सकते हैं वेरिएबल है तो आपको ये पता करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है उसका ये सोल्यूशन होगा ठीक है तो आपको करना क्या है ये जो यू एक्स की वैल्यू है ये आपको इसमें पुट करके चेक करनी है ठीक है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन ये ये जो गिवन है वो सोल्यूशन है कि नहीं अब यहाँ पर हम म्यू एस की बात कर रहे हैं तो जब इस इक्वेशन में आप म्यू एक्स की जगह एस रख दो तो क्या हो जाएगा एस टू दी पा एस ई टू दी पार एस ठीक है तो यहाँ पर हमने आर एच एस साइड ले लिया पूरी जो इक्वेशन है एज इट इज लिख दी और बस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी ठीक है अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी आइडेंटिटी होती है वो लगाई है कॉसे कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है तो इसको यहाँ पर हमने ओपन करके लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इसको सेपरेट करके लिख दिया ठीक है तो टू कॉस एक्स कॉस और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब आप देखिए जो कॉस एक्स है इंटरगल यहाँ पर हमारा एस के रिस्पेक्ट में है और ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट लेते हुए हमने बाहर कर दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा एस ई टू दी पार एस कॉस एस एंड डी एस ठीक है सेम यहाँ पर भी हमने सेपरेट करके लिखा तो ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स बाहर कर देंगे बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है और ये हो जाएगा आपका एस एस ई टू दी बार एस और साइन एस डी एस ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स के यहाँ पर प्लस है तो मैंने इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है ठीक है ये जो एक्स वाली टर्म है यहाँ पर उसको हमने इंटरगल के बाहर कर दिया है बिकॉज ये जो इंटरगल है वो एस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ हम इनको इंटीग्रेट करते हुए करेंगे और सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का ये पार्ट सॉल्व किया हुआ है फिर ये वाला पार्ट सॉल्व किया हुआ है और बाद में उनकी वैल्यूज़ निकाल कर यहाँ पर हम पुट कर देंगे ठीक है अगर हम एक साथ इन सबको सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप किस तरीके से किया गया है तो आपको ईजी वे में बताने के लिए कि किस तरीके से हमने स्टेप्स को किया है मैंने इसको अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व किया है तो यहाँ पर दो फॉर्मूलेज हैं जिनका हम यूज़ करेंगे दैट ई टू दी पार ए एक्स कॉस बी एक्स की फॉर्म में तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा अब आप साफ साफ देख सकते हैं दो फंक्शंस आपको मिल रहे हैं इस पे तो हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला एक एस का फॉर्मूला भी है यहाँ पर मतलब एक तरीके से दो फंक्शन हमें मिल रहे हैं तो हमें आईलेट अप्लाई करना पड़ेगा इसको हम इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करके चलेंगे मतलब जहाँ पर भी हमें इस दोन दोनों का इंटीग्रेशन लेना है कहने के लिए तो एक एल्जेब्रा का फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल का और एक ट्रिगो का फंक्शन है बट इन दोनों को हमने एक करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलेंगे जहाँ पर भी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ठीक है आई होप ये बात आपको क्लियर है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आ, कोई भी स्टेप जो है वो आपको स्किप ना हो और आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा तो सबसे पहले हमने क्या करा एस जो फंक्शन है आईलेट लगा दिया है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन ये आपका सेकंड फंक्शन तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था तो ई टू दी पार ए एक्स था ए की वैल्यू वन बी की भी वैल्यू वन तो ई टू पार एस बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो जब ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू वन है तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना आ गया टू आ गया एंड cos एक्स प्लस साइन एस आ जाएगा लिमिट्स लग गई माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था ठीक है लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये जो ज़ीरो वाला जो इसके लिए फंक्शन होगा जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एस की वैल्यू भी तो साथ के साथ आपको एक बार एक्स रखनी है और एक बार ज़ीरो रखनी है तो ये इस जीरो की वजह से ये वाली वैल्यू पूरी चली जाएगी इसमें हमने क्या किया है? इसको स्प्लिट करके लिख दिया ठीक है कॉस के साथ और एक बार साइन के साथ दोनों को स्प्लिट करके लिख दिया और माइनस अंदर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा नेक्स्ट हमने क्या किया है फर्स्ट टर्म तो हमने एसडीस लिख दी ये पूरा माइनस ज़ीरो लिख दिया माइनस हाफ इसको हमने यहाँ पर लिखा है तो सेम फार्मूला लगाना है आपको ई टू दी पार ए एक्स कॉस एक्स का ठीक है कॉस बी एक्स का तो हाफ़ हमने पहले बाहर करके फिर इस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिया ठीक है जो हमने अभी डिस्कस किया था लिमिट लग गई सेम विद दिस हाफ बाहर कर दिया और इस पर इंटीग्रेशन लगा दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास उस फॉर्मूले से एन जीरो टू एक्स रेस्ट हमने वैल्यू पुट की है वैल्यू आप देख सकते हैं ये एज इट इज आपका आ गया इसमें आप वैल्यू पुट कर दो और ये हो जाएगा ना एक्स और जीरो पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा हाफ कॉस जीरो इज इक्वल टू वन साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो तो यहां पर आपके पास एक हाफ वैल्यू आ जाएगी और इसी तरीके से इसमें प्लस हाफ आ जाएगी ठीक है नेगेटिव नेगेटिव और जब नेगेटिव करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव ठीक है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मैं इसके आपको क्लिक सेंड कर दूंगी ठीक है और ये सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो ये है मैंने पेंसिल से सॉल्व किया था कि के इन केस कोई भी एक मिस्टेक हो तो फिर से पूरा स्टेप ना करना पड़े तो मैं रिपीट कर देती हूँ ये आंसर एक बार आपको तो अगर आप मैच करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट का आंसर आपका यही आए अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं तो आंसर है एक्स ई टू दी पार एक्स बाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पार एक्स बाई फोर साइन एक्स माइनस ई टू दी पार एक्स बाय फोर साइन एक्स इसको आप एड करके भी आगे लिख सकते हैं तो मैंने आगे एड किया हुआ है चाहो तो आप इसको एड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू दी पार एक्स ऐड करके भी लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट को आगे सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल सेम मैनर में हमने इसको सॉल्व किया है तो ये भी आप देख सकते हैं सेम स्टेप है सेम तरीके से सॉल्व किया गया है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं स्टेप यहाँ से मैच कर सकते हैं ये नेगेटिव है साइनस है ठीक है आई होप ये पार्ट आपको क्लियर ये तो प्लस हाफ है यहाँ से आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ ये इसके आगे के स्टेप्स हैं हाफ ई टू दर एक्स बाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू ये जो यहाँ तक लिखा है मैंने ये जो लास्ट स्टेप था उसी में कंटिन्यू हो रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप ये है और उसी सेम वे से हमने सॉल्व किया है तो देखेंगे आपका जो लास्ट आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए सॉरी ये वाला ठीक है तो इसका जो आंसर है वो ये मिलेगा आपको एक्स ई टू दावर एक्स बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये है इसका आंसर प्लस ई टू पार एक्स बाय फोर कॉस एक्स प्लस ई टू पार एक्स कॉस एक्स बाय फोर माइनस हाफ कैंसिल करके आया है फिर यहाँ पे सेम आप ऐड करके लिख सकते हैं ठीक है अब हमने क्या करा है इन फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू जो आपका जहाँ पे हमने मेन इंटीग्रेशन छोड़ा था वहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट की ये वैल्यू पुट कर दी सेकेंड की ठीक है आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स मिलेंगे आपको तो कॉ स्क्वायर एक्स प्लस साइंस स्क्वायर एक्स जो है वन बन जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा एक्स ई टू दी पार एक्स ठीक है तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा यहाँ पर ये टू नहीं है ये कॉ स्क्वायर एक्स into x एक्स टू power ई एक्स है टू नहीं है मैं फिर भी फिर से रिपीट कर रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई भी यहाँ पर समझ में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप स्क्रीन शॉट लेकर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं कोई पर्टिकुलर टर्म समझ में नहीं आ रही अदरवाइज मैं वहाँ पर एक क्लिक्स अपलोड कर दूँगी सोल्यूशन के आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं अब आप देखेंगे आपका आंसर क्या आया था x e टू दी पार x आया था और यही आपका सॉल्यूशन भी है तो इसका मतलब अगर सेम आंसर आ जाता है जिसके बारे में आपसे पूछा है तो ये जो है फंक्शन का सॉल्यूशन है और नहीं आता तो फिर नहीं है ठीक है आई होप इतना समझ में आ गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है सेम उसी तरीके से यू आपको वन माइनस गिवन है और ये आपको इक्वेशन गिवन है तो ये भी वॉल्टेर इंटीग्रल इक्वेशन है आप लिमिट से पता लगा सकते हैं सेम आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है तो यू एस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस एस इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी सिंपल इंटीग्रेशन है आईलेट लगाकर किया हुआ है आईलेट का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया हुआ है सिंपल आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है एक्स ठीक है और यही आपको प्रूफ करना था इस इंटीग्रेशन में यही आपको प्रूफ करना था ओके नेक्स्ट आ जाते हैं अब लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर आपका वो फंक्शन यू एक्स लिखा हुआ था एक बार मैं इसको क्लियर करती हूँ जब इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया एक्स आ गया जब ये आपने वैल्यू पुट करी इस फंक्शन में और अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो उसमें देखिए ये यहाँ पर इस साइड पर यू एक्स है तो यू एक्स की आप वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी यह हो जाएगी एक्स ई टू दी पार एक्स और यही तो आपका आंसर आया था ठीक है तो इस तरीके से देखना है आपको नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बिकम्स इन्फाइनाइट और कर्नल बिकम्स इन्फाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देन इंट्रगल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन अब जब हम दोनों की लिम, दोनों लिमिट्स की अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की वो इनफाइनाइट हो जाती है ठीक है अभी तो एक बात क्या कि दोनों अगर कांस्टेंट हो जाए तो फ्रेडोल ऊपर वाली जो अपर लिमिट है वो वेरिएट करे वेरिएशन हो उसमें तो वोल्टेरा और यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाए मतलब इनफिनिटी आ जाए कैसी लिमिट्स दोनों लिमिट्स अगर इन्फिनिटी आ जाती हैं इन्फाइनाइट हो जाती हैं तो वो कैसी इक्वेशन होगी आपकी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन या फिर जो कर्नल की हम के की बात कर रहे थे वो कैसा हो जाए इनफाइनाइट हो जाए एट वन और मोर पॉइंट्स जो भी आपकी लिमिट्स होंगी इंटीग्रेशन के उस पर एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर वो कैसा हो जाए इनफाइनाइट हो जाए एग्जाम्पल के थ्रू समझो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर लिमिट्स देखो माइनस इन्फिनी टू इन्फिनी कैसी हो गई ये लिमिट्स इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट्स जो हैं यहाँ पर इनफाइनाइट हो गई तो ये कैसी इक्वेशन हो गई सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स एक्स माइनस एस माइनस एल्फा म्यू एस टी एस अब यहाँ पर लिमिट तो देखो हमारी इनफाइनाइट नहीं है बट कर्नल की बात करें तो एक्स माइनस एस माइनस एल्फा जा रहा है जहाँ पर एल्फा की वैल्यू आपकी जीरो टू वन है रिप्रेजेंट एबल्स इंटरगल इक्वेशन फॉर एल्फा इज इक्वल्स टू हाफ तो यहाँ पर जो आपका कर्नल है वो कैसा हो गया इनफाइनाइट हो गया किसी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी होता है तो भी ठीक है आगे बात करते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की इफ़ अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रेशन हैज साइन पावर मोर देन वन देन इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन तो वही सेम है अभी हमने लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जहां पर जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर अगर वन हो जाती है तो लीनियर होगा मोर देन वन होती है इस अननोन फंक्शन की पावर तो नॉन लीनियर हो जाएगा तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर विद एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्वॉल्यूशन इंटरगल इफ कर्नल के ऑफ इंटरगल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म के एक्स माइनस एस दैट इज कर्नल इज अ फंक्शन ऑफ द डिफरेंस एक्स माइनस एस देन इट इज कॉल्ड कॉन्वॉल्यूशन ऑफ इंटरगल ठीक है तो यहाँ पे जो है के था अगर वो के एक्स माइनस एस की फॉर्म में आ जाए डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है तो वो इंटरगल कैसा होगा कॉन्वॉल्यूशन इंटरगल यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है अब आप कर्नल पे कर्नल का फंक्शन आपको चेक करना है यहाँ पर देखिए अब जो एक्स एक्स और एस है उनका जो डिफरेंस अब यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस एस कॉस लिया है यहाँ पर ये यह कर्नल का फंक्शन है तो एक्स माइनस एस की फॉर्म में आ रहा है तो जहाँ पर एक्स माइनस की एस की फॉर्म में अगर कर्नल आ जाता है तो वो इंटरगल कैसा बन जाएगा कॉन्वॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरगल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड दो काइंड्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये इंटरगल इक्वेशन ये थर्ड काइंड है जिसमें ये जो कंडीशन है आपकी वो अल्फा एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए हाँ पर जो आपने ये सी पढ़ा था ये होमोजेनियस वोल्टेरा इंटरगल इक्वेशन थी सेकंड काइंड की मतलब एक इसका स्पेशल पार्ट था जब अल्फा एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन है तो एक और कंडीशन यहाँ पर जुड़ गई थी जिसमें एफ एक्स की वैल्यू जीरो है ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ये थर्ड काइंड नहीं है आपकी तो अगर मैं इसको समराइज़ करके लिखूँ तो जो फर्स्ट काइंड थी उस पर एल्फा एक्स जो था वो इक्वलेंट टू ज़ीरो था सेकेंड काइंड में एल्फा एक्स इक्वलेंट टू वन था और स्पेशल काइंड में एफ एक्स जो है जीरो वाली कंडीशन भी ऐड हो गई थी थर्ड काइंड में आ जाएंगे एल्फा एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये आपका थर्ड काइंड है नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल रिडक्शन ऑफ फ्रेडोल इंटरगल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड टू सेकेंड काइंड तो ये जो ऊपर इक्वेशन आप देख रहे थे ये आपकी फ्रेडोल की ही थी लिमिट आप देख सकते हैं दोनों की कांस्टेंट है तो किस तरीके से आप करेंगे सबसे पहले आपने फ्रेडोल इंटरगल इक्वेशन लिख ली थर्ड काइंड की जहाँ पर आपके आपको पता है ये जो एल्फा एक्स एक है आपका कंडीशन है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है जर्नल इक्वेशन लिख ली डिवाइड करना है बोथ साइड बाय रूट एल्फा एक्स से ठीक है ये जो है नॉन ज़ीरो है तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं वरना पूरी क्वांटिटी जो है अनडिटरमाइन फॉर्म बन जाती ठीक है तो आगे के स्टेप में हमने क्या किया है जस्ट डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को और यहाँ पर इसकी जगह हमने फाइव एक्स फंक्शन पुट कर दिया है इसको हमने कैपिटल एफ एक्स कर दिया है स्मॉल एफ एक्स था और इसको हमने कर्नल के था तो के वन का नाम दे दिया ठीक है अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है अब जो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन रही है वो सेकंड काइंड की हो गई ठीक है जहाँ पर ये जो के वन फंक्शन है कर्नल वो इसके इक्वल है तो क्लियरली इक्वेशन नंबर टू इज फ्रेडोल इंटरगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड आगे भी हम ऐसे ही रिडक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे ठीक है ये तो आपका था कि किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं तो आगे हम इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे वोल्टेरा के भी फ्रेडोल के भी ठीक है तो उसको सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं इतने पोर्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भी आपके पास है डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग